हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सेल्फी वीडियो केवाईसी के बारे में। तो जैसे दोस्तों इसमें आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो नीचे में रिमेंबर भी ऑप्शन दिया है उसको क्लिक करके तभी ओपन माई मॉल पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि बार बार आपको लॉग आउट नहीं होगा, तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर में मेन्यू ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका नाम के ऊपर जो है दोस्तों वो सेटिंग का आइकन दिख रहा है। सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो अब आप यहाँ पे नंबर डाल के सबमिट कीजिएगा तो आपका OTP से वेरीफाई हो जाएगा और जल्दी चांस रहेगा कि आपका KYC हो जाए। अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप ऊपर में देख सकते हैं रिक्वेस्ट वीडियो KYC है, तो उसको क्लिक करिएगा तो ऐसा खुलेगा। और दोस्तों इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कि वीडियो KYC रिक्वेस्ट करने का क्या, इसमें सेल्फी वीडियो कैसे अपलोड करना है। तो आपको वीडियो शूट करना है दोस्तों, तो उसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक लेकर के आपको बताना है उसके बारे में। तो मैं इसके बाद वीडियो आपको बताऊंगा कैसे सेल्फी लेना है फ़ोटो और सेल्फी वीडियो KYC कैसे करना है। तो दोस्तों नीचे मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स भर दीजिएगा, जैसे आधार नंबर, आधार नेम एज पर आधार, पैन नंबर करने के बाद वहाँ नीचे वेरीफाई का ऑप्शन दिया है तो वेरीफाई कीजिएगा। और यहाँ सारा डिटेल डालने के बाद, बैंक डिटेल्स डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे पे अपलोड योर KYC डॉक्यूमेंट में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए अब मैं आपको वीडियो की सेल्फी के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले सेल्फी लेना है फ़ोटो। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया कि सेल्फी आपको ऐसे खड़े होकर लेना है। उसके बाद आपको सेल्फी वीडियो कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ, देखिए वीडियो को लास्ट तक। मेरा नाम रवि है, ये मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड है, ये इसकी फ्रंट फोटो है, ये इसकी बैक फोटो है। उसके बाद दोस्तों पैन कार्ड और बैंक पासबुक को भी ऐसे ही दिखाना है। और मैं रेडमिल बिजनेस मॉल एप्लीकेशन के साथ जुड़कर काम करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासबुक या चेकबुक दिखा करके आपको बोलना है कि मुझे रेडमी बिजनेस मॉल में काम करना चाहता हूँ, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजफुल आपको लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।